तो आज मैं नूडल्स बना रही हूँ, और नूडल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा लीटर पानी लिया है कढ़ाई में। इसमें एक उबाल आने तक इसको वेट करते हैं। तो पानी में उबाल आ गया है, अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ और ये नूडल्स इसमें डाल देते हैं। मैं पतला वाला नूडल्स यूज कर रही हूँ, आप भी पतला वाला करें, पतला वाला से ज़्यादा अच्छा होता है। अब इसे 3 से 4 मिनट तक उबाल लेते हैं। 2 मिनट हो गया है तो अब इसे ड्रेन कर लेते हैं फटाफट से, नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएगा। तो नूडल्स को मैंने ड्रेन कर लिया है, देखिए ये कितना फ्रेश हुआ है। तो इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देते हैं, रिफाइंड ऑयल, और इसे मिक्स करके साइड में रख देते हैं। अब इसे साइड में रख देते हैं और आगे की प्रोसेस में चलते हैं। तो पैन को मैंने पहले से हीट कर लिया है, इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड ग्रीन चिली और चॉप्ड अदरक डाल के फटाफट से मिक्स करते हैं। तो साथ ही साथ मैं इसमें ऑनियन डाल रही हूँ, सब्जी को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, सब्जी का टेक्सचर जाने नहीं देना है, इसे बस 1 मिनट तक भून लेते हैं, उसके बाद इसमें बाकी की सब्जी ऐड करेंगे। तो अब मैं इसमें शिमला मिर्च डाल रही हूँ, आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी कलर के शिमला मिर्च ले सकते हैं, और गाजर भी ले सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। इसे भी 1 मिनट तक रोस्ट करते हैं। तो शिमला मिर्च भी 1 मिनट तक रोस्ट हो चुका है, तो अब मैं इसमें बंदा गोभी डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे व्हाइट वाला और ये पर्पल वाली बंदा गोभी यूज़ कर रही हूँ, इसे फटाफट से डाल दें। और सारी सब्जियों को हमें 2 मिनट तक रोस्ट करना है, और तब तक जब तक ये रोस्ट हो रहा है तब तक हम इसका मिक्सर तैयार कर लेते हैं। तो मिक्सर से तैयार करने के लिए मैं यहाँ पे 1 चम्मच विनेगर डाल रही हूँ, और 1 चम्मच हमें ग्रीन चिली सॉस चाहिए, 1 चम्मच मैंने सोया सॉस डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, और 1/2 चम्मच मैं इसमें पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ, और इसे मिक्स कर लेते हैं। मिक्सर तैयार हो गया है, सब्जी भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, तो इसमें ये नूडल्स डाल देते हैं। तो अब इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं, इसे हमें हल्के हाथों से करना है, ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। तो ये मिक्स हो चुका है, तो अब मैं इसमें वो मिक्सचर डाल रही हूँ। मिक्सर डालने के बाद इसे मिक्स कर लेते हैं, बहुत आराम आराम से, आपके आपको हल्के हाथों से करना होगा। इसे एक बार आराम से मिक्स कर लें। तो ऊपर से मैं थोड़ा सा और सोया सॉस डाल रही हूँ, मैं यहाँ पे डार्क वाला सोया सॉस यूज़ कर रही हूँ। और साथ ही साथ हमें इसमें नमक ऐड कर देना है, तो इसमें मैं स्वादानुसार नमक डाल रही हूँ। और इसे मिक्स कर लेते हैं।
ये देखिए अब ये नूडल्स बनकर बिल्कुल तैयार है, तो अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो अब ये सर्व हो चुका है, अब आप इसके मज़े लें। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। तब तक के लिए बाय, सी यू सून, मिलते हैं अगली वीडियो में।